हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला और अशोक निर्मला ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये मैं क्या बना रही हूं, ये मैं आइसक्रीम बना रही हूं। तो ये कटोरी मैंने अभी दिखाई ना, मैंने ये भर के ना इसमें चीनी अभी डाली है। मैं वीडियो शूट करना भूल गई, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। और ये है दूध। दूध का कलर ऐसा इसलिए हो गया है ब्राउन कलर का, क्योंकि मैंने इस ये जो बर्तन है ना, ये पूरा फुल भरा हुआ था। तो मन धीमी आंच पे मैंने इसको पकाया, ये ऐसे कलर का दूध हो गया। अब इसमें मैंने क्या है कि चीनी भी डाल दी है दूध फ्लेम बंद करने के बाद में, और ये बादाम और काजू है जिसको मैंने कूट लिया है दरदरा, ये भी डाल दिया है। और थोड़ा सा हम पिस्ता भी डाल देंगे। ये देखिए, ये सारी चीज़ हम डाल दिए। अब थोड़ी सी इलायची भी डाल देते हैं, क्योंकि ये ना इसमें इलायची का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। ये मलाई वाली आइसक्रीम होती है ना इसमें, और इसमें क्या थोड़े से केसर के धागे भी डालेंगे, ताकि ये मलाई वाली आइसक्रीम होती है ना, ये केसर वाली आइसक्रीम जो हमारे यहाँ पे बहुत मिलती है, हमें बहुत ही अच्छी लगती है ये आइसक्रीम, तो वही बना रही हूँ। ये देखिए, दूध को एकदम मलाई मलाई हो गई। इसमें दूध इतना सा दूध रहा है, ये 2.5 किलो के लगभग दूध था जो मैंने धीमी आंच पे पकाया। तो ये है मतलब कि 1/2 किलो से थोड़ा सा ऊपर ही है, बस इतना ही रहा है। बहुत ही स्वादिष्ट होती है ये आइसक्रीम, आप खा के देखेंगे। तो ये देखिए, और ये दूध किया मैंने ठंडा होने के लिए, ये सारी चीज़ें डाल के छोड़ दिया था। तो इसमें केसर का कलर भी आ गया, इलायची का फ्लेवर भी आ गया है, और बादाम काजू सब सॉफ्ट हो गए हैं, तो ये ठंडा भी हो गया है। तो अब हम एक बर्तन में डालेंगे और इसके ऊपर अच्छे से एक फॉइल पेपर से हम इसको कवर कर लेंगे, और ढक्कन लगा के फ्रीजर के अंदर रख देंगे इस बर्तन को, वो भी रात भर के लिए रख देंगे। मतलब लगभग 4-5 घंटे तो रखना ही पड़ेगा। और ये बचा हुआ है या कोई छोटे बर्तन में भी मैं डाल के रख दूँगी। तो ये मैंने जो बचा हुआ था वो छोटे इस हांडी में डाला था। ये देखिए, ये निकाल लिया है मैंने, 5 घंटे बाद निकाला है, और ये आइसक्रीम बनके तैयार है। ये देखिए, ये काजू पिस्ता बादाम इनका फ्लेवर बीच बीच में आता है ना, इतना अच्छी लगती है आइसक्रीम। और ये व्रत में खा सकते हैं, ये स्वादिष्ट तो बहुत ही होती है, मुझे ये बहुत पसंद है। तो क्या है कि मैं कभी कभी गर्मियों में ये बनाती हूँ, और मैंने इसमें देखो ना तो मतलब कि कोई मिल्क पाउडर का यूज़ किया है, ना ही कोई ये कॉर्न स्टार्च या कॉर्न पाउडर कुछ भी नहीं डाला है, कस्टर्ड वगैरह कुछ भी नहीं डाला है इसमें, सिर्फ दूध है और उसमें ड्राई फ्रूट है। फिर भी ये इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम लगती है खाने में, इतनी स्वादिष्ट, और ये हमारे महंगी भी बहुत मिलती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है आइसक्रीम। आप भी ऐसे बना सकते हैं कि काम करते करते जब भी आपको आइसक्रीम बनाने का मन हो तो दूध धीमी आंच पे रख दीजिए, और इसको बीच बीच में